दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज का दोस्तों क्वेश्चन है जो कि हाइपरबोला पे बेस्ड है, जिससे पहले मैंने आपको हाइपरबोला का कंप्लीट कंसेप्ट बताया था। आई थिंक वो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों तो कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों देखो, हाइपरबोला का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ हाइपरबोला इज गिवन है। क्या देखिए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x माइनस वाई प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। फोकस गिवन है -1.1। एसेंट्रिसिटी गिवन है 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, मीनिंग क्या हो गया? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रूट फॉर्म ऑफ द और जनरेशन फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला इन विच द फॉर्मूला मे और मे नॉट अप्लाइड। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि देखो, फॉर्मूला आता है नहीं आता है डजंट मैटर, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो, कंसेप्ट के थ्रू चलते हैं क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला लग ही नहीं रहा। क्या है कि देखो, डायरेक्ट्रिक्स गिवन होती है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी हाइपरबोला पर कोई पॉइंट ले लो पी एक्स कॉमा वाई, क्लियर। वो जो पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस फोकस के साथ कितनी हो जाएगी, निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से। चलो मैंने पी ले लिया है ना, और फोकस ले लिया मैंने एस, यानी कितना हो गया -1.1, ठीक है। और तो ठीक है दोस्तों, देखो क्या हो गया कि पी हो गया कोई भी पॉइंट, फोकस हो गया -1.1, क्लियर है यहाँ तक। और असेंट्रिसिटी दी हुई है 3। असेंट्रिसिटी कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। और फाइंड द इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है कितनी, x-ky+k3। तो क्या होता है कि डायरेक्ट्रिक्स मैं ले लेता हूँ, चलो ये m है। क्या है डायरेक्ट्रिक्स? m है। m बोले तो x-ky+k3, ये हो गया। ये क्या है? m। अब क्या है कि जो जनरल फॉर्म होती है उसमें क्या होता है कि उस पॉइंट की, हाइपरबोला पर जो पॉइंट है उससे और फोकस की जो डिस्टेंस होगी उसका अनुपात किसके साथ में, जो पॉइंट है उसकी डायरेक्ट्रिक्स के साथ में जो डिस्टेंस होगी उसका जो रेस होता है वो क्या होता है? ई होता है, एसेंट्रिसिटी होता है, मतलब पी एम इज इक्वल टू ई हो गया। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद देखो, पी एस आपको दिया हुआ है, पी एस कितना है? एक्स डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा ना ये पी एस, तो कितना हो जाएगा? x+1² + y-1² ये क्या हो गया? डिस्टेंस फॉर्मूला से पी एस हो गया। असेंट्रिसिटी 3 दी हुई है इन टू पी एम, पी एम के क्या हो जाएगा? पी एम हो जाएगा, इस पॉइंट को कहाँ कर देंगे, इस पर सेटिस्फाई कर देंगे। क्या निकल के आ जाएगा? x-ky+k3 अपॉन √x का कोफिशियंट का होल स्क्वायर प्लस के वाई के कोफिशियंट का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया दोस्तों? इसका क्या करना है? इसका होल स्क्वायर कर देना। क्यों करना है होल स्क्वायर? कि मैथमेटिक्स के स्टेप्स होते हैं, अगर एक साइड रूट में है होल स्क्वायर कर दो। तो देखो, इसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे होल स्क्वायर करने के बाद मैं यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। और मैं यहाँ पर इसको ओपन कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? देखो, x²+y²+2x-2y+1-1, यानी कितना हो जाएगा? +1। और +1 कितना हो जाएगा यहाँ से? ये इधर +1, क्लियर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, क्लियर। x-y+3 का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा? 1, 1, 2, यानी कि 2 हो जाएगा, √2 मतलब 2, क्लियर है ये। इसके बाद में इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x²+2y²+4x-4y+ ये 2 हो गया ना, तो ये 4 हो जाएगा = 9 तो है ही। इसका ओपन कर लेंगे तो देखो, मैं इसको है ना इस तरीके से लिख लेता हूँ, ये x, इसको लिख लेता हूँ x±y+3, ये हो गया, ठीक है ना। ये मैंने लिख लिया अलग से, जैसे a+b+c का ही लगाऊंगा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? देखो, x²+y²+9+ यानी कि -2xy और -6y और +6x हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक? नहीं। अब इसको जैसा भी है उसको फॉर्म को लिख लो यहाँ पे आप। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x²+2y²+4x-4y+9x²+9y²+81-18xy-54y+54x हो जाएगा, क्लियर है ये। अब इसको अरेंज करके लिख दो। देखो यहाँ पे 2x² है, इधर 9x² है, तो क्या हो जाएगा ये? -7x²
टू वाई स्क्वायर है और इधर 9y² है, कितना हो जाएगा माइनस के 7y² इसका। अब एक्स ना लिखे सीधे एक्स वाई वाली टर्म ले लूँ, देखो कितने 18xy इधर आ जाएगा, 4x इधर है और इधर कितना है एक्स का 54x, तो कितना हो जाएगा माइनस के 50x। इसका माइनस के 4y इधर है और इधर कितना है 4 माइनस के 54y, तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये 54 इधर जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा प्लस, यानी प्लस क्या आएगा कितना 50y। यहाँ तक हो गया, 4 इधर है ही और माइनस के 81, 4 इधर है ही और माइनस के 81, यानी कितना हो जाएगा 77 इज इक्वल टू 0। अब माइनस को हटा लेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा 7x² प्लस के 7y² माइनस के 18xy प्लस के 50x माइनस के 50y और प्लस के 77 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी निकल के इक्वेशन आई है, और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हाइपरबोला पे बेस्ड था, जो कि जनरेशन पे बेस्ड था, ना कि फॉर्मूले पे बेस्ड था। तो देखो दोस्तों यही है, क्वेश्चन टफ नहीं होते, बस आपको रूट फॉर्म आनी चाहिए, क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, फाइंड द असेंट्रिसिटी फोकस डायरेक्ट्रिक्स लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला 9x² माइनस के 16y² इक्वल टू 144। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड था जनरेशन पर, जो कि रूट फॉर्म थी। सेकंड है, अगर हाइपरबोला पता हो तो उसके सारी सारी की जितने भी उसके एलिमेंट्स होते हैं वो फाइंड करने हैं। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे इसको, देखो नाइन, ये आपको पता ही है 9x² माइनस के 16y² इक्वल टू 144 दिया हुआ है। तो इसको किस में बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, यहाँ पे जनरल फॉर्म में बना लेंगे। तो देखो कैसे डिवाइड कर दूँ, यहाँ वन होना चाहिए, तो x² अपॉन 9, ये तो 9 से कट हो जाएगा, देखो यार पे वन लिख देता हूँ, माइनस के 16y² अपॉन 144 इक्वल टू 1, क्लियर। तो देखो x² अपॉन, तो इसको कट करना है, तो कितनी बार जाएगा ये 16 बार, माइनस के y² अपॉन ये कितना जाएगा 9 टाइम्स इक्वल टू 1, क्लियर है। ये किसका होल स्क्वायर होगा, 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a मिल जाएगा, ये x² अपॉन a² माइनस के y² अपॉन b² इक्वल टू 1, विच इज़ द फॉर्म ऑफ द जनरल फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला। तो यहाँ a कितना हो जाएगा 4 एंड b कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो गया। बोलो अब सबसे पहले पॉइंटों को देख लेते हैं, सबसे पहले क्या निकालना है, असेंट्रिसिटी। तो असेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, c² इज इक्वल टू a² प्लस के b² बताया था। अब a² कितना हो गया 16, b² कितना हो गया 9, और c² कितना हो जाएगा फाइंड कर लेते हैं। तो c² कितना हो जाएगा 25 और c² तो c कितना मिल जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 5, क्लियर है। अब c = क्या होता है, ae होता है। ए ई कब होता है, जब x² से कर्व स्टार्ट होता है, जब x² से कर्व स्टार्ट होता है तब क्या होता है, c = क्या होता है, ए। अगर y² से होता तो y² पे कौन सा एलिमेंट हो गया, बी, तो बी ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो c = क्या हो गया, ए ई इजिकल टू प्लस माइनस 5। तो e = कितना हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 5 अपॉन असेंट्रिसिटी, यानी ए हो गया 4, क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगी, असेंट्रिसिटी मिल जाएगी। तो असेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी 5/4 आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, मतलब यार ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा आपको तो आंसर लाने से मतलब है, तो कुछ भी तिकड़मबाजी लगाओ आंसर लाओ, समझ मारिया बात। ऑब्जेक्टिव पेपर में यही फ़ायदा होता है। इसके बाद असेंट्रिसिटी मिल गई, उसके बाद में क्या है, फोकस। अब फोकस के क्या होते हैं, c, 0 यानी ae, 0 ये होता है, क्लियर है। तो देखो a कितना था 5, a कितना था 4 इंटू ई कितना है 5/4 0, यही हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो मिल जाएंगे यहाँ से। तो ये कि देखो प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सेस पे भी होगा, तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कितने मिल जाएंगे, एक प्लस माइनस 5/0 आंसर हो जाएगा आपका। बोलो समझ में आएगा दोस्तों, तो क्या मिल गया, फोकस भी मिल गया। अब निकाल लिया डायरेक्ट्रिक्स, अब क्या निकालनी है, डायरेक्ट्रिक्स। अब बताओ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला था एक्स, अगर वो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट है तो एक्स इजकल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, क्योंकि दोनों तरफ होगी ना, इसलिए। तो भाई यार ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आपने हाइपरबोला का जब मैंने कंसेप्ट कराया था तब वो आपने समझा हो, बस मेरी। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या होगा, एलिप्स आपने समझा हो, जिन्होंने एलिप्स अच्छे से किया होगा उनका ये रिविज़न ही मानो आप एक तरीके से, ठीक है। फॉर्मूले अपने आप रट जाएंगे अपने आप, उनको याद करोगे तो याद नहीं होंगे, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे तब याद होंगे। तो प्लस माइनस ए अपॉन ई हो जाएगा। अब बताओ ए ई कितना था आपका, ए कितना था 4, अपॉन ई कितना है 5/4, यानी कि इस तरीके से 5/4 ले लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस होगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 16/5, ये हो जाएगा 16/5 प्लस माइनस, यानी कितना हो जाएगा प्लस माइनस 16/5, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 16/5। बोल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x, चलो मैं लिख के देखा, तो इसका मतलब क्या हो गया 5x, और 5 देखो 5x इक्वल टू प्लस माइनस 16 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो सकता है 5x इक्वल टू 16 या फिर 5x इक्वल टू माइनस के 16, तो दोनों तरफ के मैंने क्या निकाल दिया फिर डायरेक्ट्रिक्स निकाल दिए। अब बात करते हैं लेटेस्ट रेक्टम की, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम देखो क्या होंगे, LR, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा 2b² / a। ये फॉर्मूला कब होता है, जब एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर से जब कर्व स्टार्ट होता है, तो देखो 2 × b² कितना हो गया 9, अपॉन a कितना हो गया 4, यानी कि 18/4, सॉरी 18/4 ही होगा ना, हाँ सही है, क्या हो जाएगा 18/4 होगा। तो देखो ये ही सारी चीज़ होती है, तो सारी चीज़ें सॉल्व हुई कि नहीं हुई, तो एक बार क्या किया पुराने लेक्चर ज़रूर देखना, और बस क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते रहो और सारी चीज़ें इजीली हो जाएंगी। जो लोग नोट्स के बहाने बैठे रहेंगे, जो लोग और PDF के बहाने रहेंगे, तो यार उनका कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि इसके नोट्स यार कोई नहीं दे सकता, नोट्स इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि पेपर हुए नहीं अभी तक कोई, सुनो यार ऑब्जेक्टिव पेपर है ना यार, ये बात ये है ऑब्जेक्टिव पेपर, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो बात अलग होती। और ऑब्जेक्टिव पेपर तो मैथमेटिक्स का आप जानते हो जिस लेवल पर ये वाला है, तो उस हिसाब से तो कोई मेरे को लगना नहीं रहा कि कोई एग्ज़ाम हुआ होगा। IFS का भी जो होता है वो रिटेन होता है और उसके सिलेबस में भी डिफरेंस है, तो जो भी बनाएगा सब अपने हिसाब से बनाएंगे। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि कहाँ से करना चाहिए, देखो कहाँ से करना चाहिए 11th की मैथमेटिक्स, 12th की मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ RPSC ACF, रिमाइंड इट, क्लियर है बात। इसके अलावा IIT JEE की बुक्स, AI 666 की बुक्स, जैसे RD शर्मा आती है, क्लियर है, तो वहीं से आएगा, आपको बता दूँ मैं बात वहीं से, उससे ऊपर जाना ही नहीं है कुछ भी यार। एक तो चैप्टर आपके ग्रेजुएशन लेवल के, उसके लिए आपकी गेट की वाली बुक चल जाएगी, उसके अलावा आपको क्वेश्चन जितने क्वेश्चन में एफिशिएंट होंगे आप लोग उतना ही बेटर है। तो डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द PDF, और इस तरीके से बैठते हुए और सोचते हुए टाइम वेस्ट ना करें, एक बार स्टार्ट करें, कदम बढ़ाएं मंजिल की तरफ, पहुँचोगे जरूर, जब भाई कदम बढ़ेगा तभी तो पहुँचोगे, लगे रहो करने में। और मेरे वीडियो का तो सेंस बस एक ही है, बड़े सिंपली और एकदम सीधे साधे तरीके से चल रहा हूँ, स्लोली एकदम बहुत ही धीमे तरीके से। तो मेरे वीडियो भी अगर आपने कर लिए तो भी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे, और हर चीज़ की शुरुआत की जाती है सबसे पहले, तो बस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना भाई, मेल मेरे को कुछ रहा नहीं है इससे, बस तो ये है कि आप लोगों का लिए थोड़ा सा बेनिफिट है, और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अगर गाइडेंस आपको मिल रहा हो तो मेरे लिए काफ़ी है। और ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ पाएंगे। थैंक यू।